प्राणनाथाय प्रिय भक्तजनों, अभी आपने तमिल में जो सुना है, तमिल में जो भक्ति रचना है उसको दिव्य प्रबंधम कहते हैं। आज आपने जो सुना है उसको उपदेश रत्नमाला से उन्होंने गाया है। उसमें भगवान की महिमा है और भक्त की अकिंचनता है। आपने ये भी देखा होगा, जो भक्त कह रहे थे, आचार्य जो गा रहे थे, अपने बदन में आधा बदन उन्होंने खुला छोड़ दिया था। वैसे तो वहाँ 12 स्थानों में आप तिलक देख रहे हैं, लेकिन भक्तजनों, ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ चारों, यहाँ के वातावरण में दिव्य प्रकंपन होते हैं, तरंगे यहाँ होती हैं। जैसा कि गीता में कहा गया है, हृदयेशोऽर्जुन तिष्ठति ईश्वर सर्वभूतानाम, हृदयेशोऽर्जुन तिष्ठति, ईश्वर हृदय में निवास करते हैं। तो वे भगवान वहाँ जो तरंगे हैं उनका स्वागत करते हुए, ताकि ये दिव्य तरंग अपने हृदय में आ जाएं, तो इनका स्वागत करते हुए एक खुला ही रखते हैं, ताकि वे भगवान की आंखों से कृपा दृष्टि जो बरसती है, स्वयं वह उनके हृदय में प्रवेश कर दिया जाए। और दूसरी बात है, ये दासता का सूचक है, अकिंचनता का, भगवान के समक्ष शरणागति करते हुए ये कहते हुए कि मैं आपका दास हूँ, आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो गांव में हम देखते हैं कि या तो वे पकड़ी जैसे बांधते हैं या कमर को बांधते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग अपने कमर के चारों ओर इसको कमरबंद की तरह उन्होंने बना दिया और शरीर को खुला छोड़ दिया है। तो मतलब यह है कि ये भी दासता का ही सूचक है। प्रिय भक्तजनों, भगवान को यह मालूम है कि हमें कब देना चाहिए, क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। तो जब भी हम भगवान के समक्ष खड़े हो जाते हैं, तो हमें कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। वे सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिमान भी हैं। तो जब हम आंखें बंद करके और बड़े मनोयोग से ध्यान करते हैं,
तो भगवान और सुन लेते हैं। और एक बात है, जब हम अपने बारे में पूछेंगे, अपने सुख में पूछेंगे, तो उन पर इतना ध्यान नहीं देते। जब हम सबकी भलाई, सभी के हित में जब हम प्रार्थना करते हैं, तो अवश्य ही हम उसमें अवश्य रहेंगे और भगवान हम पर कृपा करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि लोका समस्ता सुखिनो भवंतु। जब इस प्रकार के कार्यक्रम में जब हम भाग लेते हैं, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि सर्वे संतु सुखिन, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यंतु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। सभी सुख से रहें, सभी दुखी ना हो और सभी स्वस्थ रहें, और इस तरह प्रार्थना करें तो भगवान अवश्य हमारी प्रार्थना सुनते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगा। भगवान जो भी करते हैं, भक्त क्या समझता है, हमारे अनुकूल ही, हमारे हित में ही भगवान करता है। भले ही हमें कष्ट हो या नष्ट हो, तो उसमें भी ये भक्त देख क्या देखता है, हाँ इससे ज़्यादा कष्ट तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ। तो देखिए, तीन युवक जा रहे थे गाड़ी पर, तो दुर्घटना हो गई, तीनों की एक एक आंख चली गई, तो तीनों अस्पताल में शरीक हो गए। तो एक सज्जन गए थे, उसने पहले व्यक्ति से पूछा था, भाई ये क्या हो गया? तो बोले थे, क्या बताऊं साहब, इस नगर में हर एक अपनी मनमानी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाना ही नहीं आता, मेरी गलती कुछ भी नहीं थी, गलती उसकी थी, उसने आकर टक्कर मार दिया। तो इस तरह उसने दूसरों पर डाल दिया था। और उसी बाद में वे दूसरे मरीज, दूसरे व्यक्ति के पास गए, पूछा, भाई क्या हुआ, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ? तो वो क्या बोला था, देखिए साहब, मेरा भाग्य ऐसा है, भगवान को मुझ पर दया नहीं है, वैसे तो मैं भक्त हूँ, मंदिर जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो इस तरह उसने भगवान की शिकायत की थी और अपने भाग्य की भी निंदा की थी। फिर वे तीसरे आदमी के पास गए थे, उसकी भी एक आंख चली गई थी। जब उसने पूछा ये क्या हुआ, तो वो बोला, भगवान बड़े दयावान है, अरे तुम्हारे दोस्त दोनों जिनकी एक आंख चली गई, या एक तो दूसरों में गलतियां ढूंढ रहा है और तीसरे ने भगवान की और अपनी भक्ति में, तो इस तरह वो कह रहा है, तुम कैसे कहते हो भगवान दयावान है और भगवान में करुणा है और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, ये कैसे कह सकते हो? तो उसने जवाब दिया, देखिए अगर मेरी दूसरी आंख भी चली जाती तो मैं अंधा बन जाता था, मैं दूसरों पर निर्भर हो जाता था, भगवान ने मुझे एक आंख छोड़ दी, लाख लाख शुक्रिया भगवान को। इस तरह हर एक माइनस में ಲೈನ್ಸಿ
చూసి నిన్ను ఇంటిలోన వెళ్ళనీక పట్టుకొని కోగిటిలో लक्ष्मीदेव्यै नमः। अभी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भक्तगण, देखिए सर के ऊपर किस प्रकार से यह झूला रहे हैं अपने, और बालाएं कन्याएं अनेक रूपों में, कोई डांडिया करते हुए, कोई गरबा करते हुए, इस मार्ग में विचित्र रूपों से, अद्भुत रंगों के द्वारा, अद्भुत नृत्य के द्वारा मैया के इस यात्रा में, इस रथ यात्रा में शोभायमान हो रही हैं। सभी भक्त को आह्लाद कर रही हैं, आह्लाद प्रदान कर रही हैं धनमेदा के साथ, श्रद्धा भक्तियों के द्वारा। माता का जो जन्म है इस भूलोक में, इस मर्त्यलोक में, वह कोल्हापुर माना जाता है। वह कोल्हापुर स्थान वर्तमान में महाराष्ट्र में है। जब तीनों देवों में ब्राह्मण सबसे असी बहुत तेज माना जाता है, ब्राह्मणों ने एक बार, महर्षियों ने, पूर्वजों ने यज्ञ करना आरंभ किया। मैं इसकी कथा सुनाता हूँ। जब यज्ञ आरंभ हुआ, वहाँ सभी महर्षिगण अपने शिष्यों के साथ पधारे, और उन यज्ञों में ये हुआ कि किस देवों का, त्रिदेवों में से किनको, किनके आदि पूजा किया जाए, किनका पूजा सर्वप्रथम हो। इस कारण अनेक महर्षिगण थे वहाँ। प्रत्येक महर्षियों के द्वारा जितने मुख थे उतने वाणी के रूप में प्रकट होने लगा। कोई आदिदेव, कोई ब्रह्म, कोई विष्णु, कोई शिव इत्यादि को कहने लगे। आदि वही हैं, आदि यही हैं, आदि यही है, इनका प्रथम, इनका प्रथम इत्यादि से होने लगा। बात वहाँ पे यह हो गई, निश्चय नहीं हुआ कि सर्वप्रथम किसका पूजा किया जाए। वहाँ सर्वश्रेष्ठ महर्षि ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण, तपोनिष्ठ, त्रिकालदर्शी प्रभु ब्रह्मपुत्र भृगु महाराज, महर्षि भृगु वहीं पे थे। महर्षि भृगु ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। उनको यह उत्तरदायित्व दिया गया। वहाँ इन सभी कार्यों को प्रदान करने वाला, नाम ज्ञान प्रचोदन करने वाला, इस ज्ञान को बताने वाले प्रथम थे महर्षि नारद। उन्होंने ही यह महर्षियों को इस बातों का ज्ञान दिया, जो तुम लोग ये पता करो कि तीनों देवों में से कौन श्रेष्ठ हैं, किसे पूजा किया जाए। इसलिए महर्षि भृगु को यह कार्य सौंपा गया कि हे प्रभु, त्रिदेवों में किसका पूजा किया जाए, आप इसका मुझे कृपया बताएं। वह बोले ठीक है, मैं स्वयं वहाँ जा करके, देवलोक जा करके, ब्रह्मांड लोक जा करके, शिवलोक जा करके, ब्रह्मलोक जा करके, मैं स्वयं पता करके कहता हूँ कि तीनों देवों में से किसे हमें सर्वप्रथम पूजा करनी चाहिए, तीनों अलग हैं या एक हैं, इत्यादि भेदों को भी मैं प्रकट करता हूँ। इस बातों की जानकारी लेने हेतु सर्वप्रथम महर्षि भृगु ब्रह्मलोक पधारे, और ब्रह्मलोक में देखे माता सरस्वती के नृत्य वादनों के साथ सभी भक्तगण उसमें तल्लीन थे। उसके साथ साथ देखते देखते महर्षि भृगु को नज़र किसी को नहीं आया। कोई भी
महर्षि भृगु को नहीं देखे, इस अनादर को देखते हुए उन्होंने उन्हें भी श्रापित करके पुनः आ गए शिवलोक। शिवलोक आने के बाद वहां भी इनका अनादर किया गया। अंत में वह विष्णु धाम विष्णु लोक वैकुंठ पधारे, जिस वैकुंठ में माता जगदम्बा के साथ, ब्रह्मांड नायिका के साथ, महालक्ष्मी के साथ प्रभु वेंकट नायक आनंद नीलय में मग्न शेष सज्जा के ऊपर समुद्र में विराजमान थे, आनंद विभोर थे। और महर्षि भृगु भी अपने कोप के साथ, इतना कोप उनको था जो वह मार्ग भी भूल गए कि किस मार्ग में किस तरह से जाना चाहिए, और वह मार्ग भूलते भूलते स्वयं प्रभु के हृदय स्थल पे ही, जिस हृदय स्थल में स्वयं माता आदि महालक्ष्मी का वास रहता है अलमेल मंगा का, उसी स्थान को उन्होंने अपने पाद के द्वारा पांव के द्वारा आघात पहुंचाया, चोट लात मारी। लात लगते ही प्रभु के तो हृदय जो है सो हिल गया और माता बहुत उस पे गुस्सा गई, वह कुपित हो गई। कुपित होने के बाद वह प्रभु को बिना बताए ही वहां से पाताल लोक आ गई, मर्त्य लोक आ गई। और मर्त्य लोक आने के बाद वैकुंठ स्थान को छोड़ करके जब माता इस कोल्हापुर में आकर के जन्म ली, प्रभु अज्ञात हो गए, नैरिश्य हो गए, जो हमारी शक्ति कहाँ गई, हमारी अर्धांगनी महामाया महालक्ष्मी कहाँ गई, सीधे कहते समुद्र वसने देवी जो पर्वतस्तन मंडले नीवु तुरगमु मीद नेर्पु मेरया తురగము మీద నేర్పు మెరయా నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా వేవేలు రూపులై వెద చల్లితప్పుడు నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా వేవేలు రూపులై వెద చల్లితప్పుడు నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా పదిలముగ నిరువంక పసిడి పింజలయంప పొదల తరకసములొరపులు నిరపగా పదిలముగ నిరువంక పసిడి పింజలయంప పొదల తరకసములొరపులు నిరపగా గదయు శంఖంబు చక్రము ధను ఖడ్గములు పదివేలు సూర్య బింబములైన వపుడు గదయు శంఖంబు చక్రము ధను ఖడ్గములు పదివేలు సూర్య బింబములైన వపుడు నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా చల్లితప్పుడు నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా సురిది శేషుని పెద్ద చుట్టు పెను కేవడం సిరి తొలకను కచేత చిత్తగించి శేషుని పెద్ద చుట్టు పెను కేవడం సిరి దొలకనుక చేత చిత్తగించి దూరమునకు తొడవైన ధూమకేతువు చేత ఇరవైన బల్లెమై ఏచెనందపుడు దూరమునకు తొడవైన ధూమకేతువు చేత ఇరవైన బల్లెమై ఏచెనందపుడు నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా వేవేలు రూపులై వెద చల్లితపుడు
కరక జడతో రమాకాంత జయలక్ష్మియై తొరలి కౌగిట నిన్ను తొడికి పట్టి కరకజడతో రమాకాంత జయలక్ష్మియై తొరలి కౌగిట నిన్ను తొడికి పట్టి సరచెవెను వెంకట స్వామి సరచెవెను వెంకట స్వామి నిన్ను గెలువుమని మెరుగు పుచ కుంభముల మిసిమితోనపుడు సరచెవెను వెంకట స్వామి నిన్ను గెలువుమని మెరుగు పుచ కుంభముల మిసిమితోనపుడు నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా వేవేలు రూపములు వెదచల్లితప్పుడు నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా వేవేలు రూపములు వెదచల్లితప్పుడు నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా రగము మీద నేర్పు మెరయా. ఓం మహాలక్ష్మి నమః. తో హమ్ జబ్ బతా రహే థే కి వహా మయ్యా కుర్ద్ హో కర్ కే ఇస్ మర్త్యలోక మే ఆ కర్ కే కోలాపూర్ స్థాన మే అవతరిత్ హుయి ఔర్ వహా అవతార్ లేనే కే ఉపరాంత్ సభీ భక్తో కా कल्याण करने लगी और ब्राह्मणों से बहुत ही असंतुष्ट हुई. इसीलिए और प्रभु श्री हरि वैकुंठ नायक माता को तलाशने लगे. जो मैया कहाँ गई, आते आते प्राप्त होते होते उन्हें कोलापुर स्थान प्राप्त हुआ जहाँ पे मैया जगदम्बा आकर के अवस्थित हो चुकी थी. वहाँ से फिर वह अपने स्थान को चलने के लिए मैया को प्रार्थना किए. मैया ने अंगीकार नहीं किया और उन्होंने मना कर दिया कि मैं अब यह स्थान छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा. प्रभु ने माता को पुनः अपने हृदय स्थल पे वास करने हेतु उपचार पूछे जो क्या करना है हमें जिससे फिर पुनः आप हमारे स्थान को प्राप्त करेंगी. इस प्रकार से मैया ने उन्हें यह तिरुपति पुण्य क्षेत्र का दिग्दर्शन कराया और तिरचानूर स्थान में पुष्करणी के पास उनके कीर्तन भजन जाप इत्यादि करने से यदि आप वहां मुझे उपासना करें तो मैं वहां पे प्रसन्न होकर के अवतरित होंगी. तो फिर प्रभु यहां आकर के तिरचानूर में प्रायः 12 वर्ष तक उन्होंने आराधनाएं, प्रार्थनाएं, पूजा इत्यादि किए और उसके उपरांत मैया ने यहाँ अपना स्थान पुनः प्रदान किए और मैया यहाँ अवतरित हुई. उस दिन से वह अवतरित जो दिन है वह कार्तिक विवाह पंचमी कार्तिक शुक्ल पंचमी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मैया तिरचानूर में उत्पन्न हुई और तब से आज तक अवच्छिन्नतया अवच्छिन्न रूप से प्रतिवर्ष इस तिथि को यहाँ पे 10 दिन चलने वाला यह ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है. उन ब्रह्मोत्सवों में सभी श्रद्धालु भक्तगण वरही तन्मय के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ मैया के इस असीम जो लीला है उन लीलाओं को देखने हेतु प्रतिदिन मैया प्रातःकाल संध्याकाल विभिन्न विभिन्न वाहनों के ऊपर भक्त की जो मनोकामनाएं हैं इस कलयुग में कष्टों में जो उत्पन्न लोग हैं जो मानव हैं उन सभी का कष्ट दूर करने हेतु मनोकामना पूर्ण करने हेतु अनेक वाहनों पर विराजमान होकर के मैया अपने भक्तों का उद्धार करती हैं, दर्शन देती है. भक्तवत्सलि मैया शरणागत दीनार्थी शरणागत दीनार्थ
परित्राण परायणे सर्वव्यास्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे मैया नारायणी, यह भक्तों को उद्धार करने के लिए ही इस वाहन को सुशोभित करती हैं। जिस प्रकार से अभी आज हम अश्व वाहन देख रहे हैं, अश्व सबसे प्राचीन काल से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोगबाग भी, राजा महाराज भी इत्यादि सभी अश्वारूढ़ होते थे, अश्व का ही वाहन मानते थे। वाहन के रूप में अश्व वाहन को ही माना जाता था, क्योंकि सबसे तेज दौड़ने वाला यदि है तो वह घोड़ा ही है, वह अश्व ही है। इसलिए गति में सबसे तीव्र गति का यदि पशु है तो वह अश्व ही है। उस अश्व को मैया अपने वाहन के रूप में आठवें दिन, जो मैया का ब्रह्मोत्सव का जो आठवां रात्रि है, उस आठवें रात्रि को जो वाहन है, उस वाहन के रूप में, अश्व वाहन के रूप में मैया आरूढ़ होती हैं। और आरूढ़ होकर के सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ति करती हैं। इस प्रकार से भक्तगण देखिए किस प्रकार से लाखों की संख्या में आकर के इस श्री अभिजायत चित्ताब्ज भृंगा माया गुण विभंग मधुर प्रसंगा श्री अभिजायत चित्ताब्ज भृंगा माया गुण विभंग मधुर प्रसंगा मधुर प्रसंगा मधुर प्रसंगा कीर्ति विशाल हरिहय पाल गमनीय गुणजाल करुणाल वाला अमल कीर्ति विशाल हरिहय पाल गमनीय गुणजाल करुणाल वाला श्री अभिजायत चित्ताब्ज भृंगा मधुर प्रसंगा जल राशि गंभीर जगदे कवि गंभीर जगदे कवीरा कलि कलुष संहार कनका त्रिधीरा श्री अभिजायत चित्ताब्ज भृंगा माया गुण विभंग मधुर प्रसंग श्री
चरणु भक्त स्तोमा चरणु रिपु भीमा चरणु पावन नामा संपूर्ण कामा चरणु भक्त स्तोमा चरणु रिपु भीमा चरणु पावन नामा संपूर्ण कामा चरणु लोकातीत सत्य समेत चरणु लोकातीत सत्य समेत शरणु धर्मोपेत सर्वनिर्णेत शरणु धर्मोपेत सर्वनिर्णेत पाहि प्रसन्नाक्षीं नारायण समाश्रितां दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं। प्रिय भक्तजनों, कोल्हापुरी के बारे में दो और बातें मैं कहूँगा। श्री महालक्ष्मी के अष्टादश पीठों में, शक्तिपीठों में यह एक है। ये इस क्षेत्र में महालक्ष्मी जी विराजमान है। सर्वतंत्र स्वतंत्र रूप में यहाँ उत्सव और शोभा यात्राएं इनकी व्यवस्था की जाती है। हर वर्ष चैत मास में पौर्णमी के दिन शाम के समय कोल्हापुर महालक्ष्मी का बड़ा वैभव से रथोत्सव निकलता है, रथोत्सव आयोजित किया जाता है। और वैशाख मास के शुद्ध तृतीय यानी अक्षय तृतीया के दिन मंदिर में गरुड़ मंडप में श्री महालक्ष्मी का डोलोत्सव ऊंजल सेवा बोलते हैं, और इसकी भी मतलब इसका आयोजन होता है। और आश्विज मास में दुर्गा नवरात्रियों में 10 दिन यहाँ उत्सव आयोजित किए जाते हैं। दुर्गाष्टमी के दिन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से कोल्हापुरी माँ लक्ष्मी माता जी को यहाँ साड़ियाँ, हल्दी, कुमकुम ये सब भेज जाते हैं। हर वर्ष जनवरी 31 को, फरवरी पहली तारीख को और दूसरी तारीख को 3 दिन, और हर वर्ष नवम्बर 9, 10, 11 दिनांक तिथियों में 3 दिन इस पर सूर्य किरण का उत्सव वहाँ मनाया जाता है। सूर्यास्त के समय पहले दिन माता जी के चरणों पर और दूसरे दिन हृदय पर और तीसरे दिन उनके मुकुट पर सूर्य किरण आ जाती है, पड़ती हैं वहाँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोल्हापुर में माता जी का वैभव देखने लायक है। और नमाम त्यजेथा शितकल्पवल्ली सद्भक्ति चिंतामणि कामधेनो विश्वस्य मातर्भव सुप्रसन्ना गृहे कलत्रेषु च पुत्रवर्गे। हे माता, समस्त लोकों की जननी हो तुम, जो भी तुम्हारी शरण में आते हैं, आश्रय लेते हैं, उनके लिए तुम एक कल्पवृक्ष के समान हो। भक्ति उत्पन्न करने वाली सर्वश्रेष्ठ चिंतामणि हो तुम, इच्छाएं पूरी करती हो, मनोकामनाएं पूरी करती हो। माता जी, तुम मेरे घर में आकर तुम बसो रहो, मेरी पत्नी, मेरी बच्चे, मेरी संतान के विषय में तुम सुप्रसन्न रहो। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा हमारे गृह में विराजमान हो जाएं। प्रिय भक्तजनों, नमः श्रीयै अमोघराय स्पोष वितरण समर्थायै विकुंठ जनगण अखंड प्रपूजितायै कीर्तिमत्यै सुमते हरिवल्लभायै श्रियं नमः। ऐश्वर्यं श्रुतियुक्तं मे देहि देहि शीघ्रं धनिकं धार्मिकं मे कुरु कुरु। प्रभुजन सुजन बुधजन सख्यं प्रसादय प्रसायतय तव ईषद्वीक्षणानुग्रहं प्रवर्षय प्रवर्षय। ॐ नमो महामायायै आश्रित कल्पवृक्षायै वाञ्छितार्थप्रद मातायै सुखदायै शुभदायै आनन्ददायै ज्ञानदायै मोक्षदायै ओम लं क्षं नमः। भक्तजनों, जब हम मंदिर जाते हैं
भगवान या भगवती के समक्ष खड़े हो जाते हैं तो अचानक क्या होता है, अपने आप हम आंखें मूंद लेते हैं। लेकिन उस समय हमें आंखें खुली रखनी चाहिए, कभी भी भगवान के समक्ष जब खड़े होते हैं आंखें बंद नहीं करनी चाहिए और सर से चोटी से पांव तक, सर से पांव तक हमें पूरा आंखें भर कर मतलब दर्शन करना चाहिए और पूरा हमारे मन में उतार लेना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं ईश्वर केवल एक रूप में नहीं पांच रूपों में विद्यमान है, पर व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चा, इसमें चौथा जो है अंतर्यामी, हर प्राणी के रूप अंतर में हृदय में भगवान रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है ऐसा कहा गया है। और पांचवा जो है अर्चावतार, अर्चावतार मीन्स मूर्ति, भगवान हर मंदिर में मूर्ति के रूप में शिला मूर्ति के रूप में रहते हैं। तो और ये जो है इसमें जब भी भक्त देखता है और अलंकारों के साथ जब हम माता जी का दर्शन करते हैं तो अचानक हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो बड़े लोग कहते हैं कि उस समय हमें आंखें खुली रखनी चाहिए और संपूर्ण मूर्ति का दर्शन करना चाहिए। और चूंकि आप जानते हैं विराट मूल मूर्ति जो हमारे साथ नहीं आती और मन में उतारने के बाद हमें बाहर जाकर कहीं बैठ जाना चाहिए और मन में उतारने के बाद जब भी हम सोचते हैं उनकी उनका ध्यान करते हैं तभी वह दृश्य हमारे समक्ष आ जाना चाहिए। मंदिर में दर्शन के आनंद గుర్రాల గట్టని తేరు కొంక కెందైన బారి బిర్రవి గుచు తీసి వేడుకతో జీవుడు, బిర్రవి గుచు తీసి నీ వేడుకతో జీవుడు. గుర్రాల గట్టని తేరు కొంక కెందైన బారి బిర్రవి గుచు తీసి వేడుకతో జీవుడు, బిర్రవి గుచు తీసి నీ వేడుకతో జీవుడు. సరిపిరుదే రెండు జంట బండి కండు సరవితో పాదాలు చాపునుగను, సరిపిరుదే రెండు జంట బండి కండు సరవితో పాదాలు చాపునుగను. గరిమ చూపులు రెండు కట్టిన భగ్గములు దొరయైతే ఎహరదము దోలిపో జీవుడు. గరిమ చూపులు రెండు కట్టిన భగ్గములు దొరయైతే ఎహరదము దోలిపో జీవుడు. గుర్రాల గట్టని తేరు కొంక కెందైన బారి బిర్రవి గుచు తీసి వేడుకతో జీవుడు, బిర్రవి గుచు తీసి నీ వేడుకతో జీవుడు. పంచమహాభూతములు పంచవన్నెకోకలు పంచల చేతులు రెండు బలుటెక్కెలు, పంచమహాభూతములు పంచవన్నెకోకలు పంచల చేతులు రెండు బలుటెక్కెలు. మించైన శిరసే మీదనున్న శిఖరము పంచేంద్రియ రథము పరపీపో జీవుడు. మించైన శిరసే మీదనున్న శిఖరము పంచేంద్రియ రథము పరపీపో జీవుడు. గుర్రాల గట్టని తేరు కొంక కెందైన బారి బిర్రవి గుచు తీసి వేడుకతో జీవుడు, బిర్రవి గుచు తీసి నీ వేడుకతో జీవుడు. పాప పుణ్యములు రెండు పక్కనున్న చీలలు తోపులయన్న పానాలు దొబ్బుదెడ్లు, పాప పుణ్యములు రెండు పక్కనున్న చీలలు తోపులయన్న పానాలు దొబ్బుదెడ్లు. ఏపున శ్రీ వెంకటేశుడెక్కి విధులనే గగ కాపాడి నరరథము గడపీపో జీవుడు. ఏపున శ్రీ వెంకటేశుడెక్కి విధులనే గగ కాపాడి నరరథము గడపీపో జీవుడు. గుర్రాల గట్టని తేరు కొంక కెందైన బారి బిర్రవి గుచు తీసి వేడుకతో జీవుడు, బిర్రవి గుచు తీసి నీ వేడుకతో జీవుడు.
రాలగట్టని తేరు కొంక కెందైన బారి విర్రవీగుచుదీసి వేడుకతో జీవుడు విర్రవీగుచుదీసి నీ వేడుకతో జీవుడు విర్రవీగుచుదీసి నీ వేడుకతో జీవుడు విర్రవీగుచుదీసి నీ వేడుకతో జీవుడు యా శ్రీ స్వయం సుకృతినాం భవనే క్వలక్ష్మీ పాపాత్మనం కృతధియం హృదయే స్వబుద్ధి శ్రద్ధా సతాం కులజన ప్రభవస్య రజ్యాం త్వం త్వం నతాస్మ పరిపాలయ దేవి విశ్వం మా జగదంబా జగజ్జననీ కియః బ్రహ్మో అశ్వవాహన్ పే విరాజమాన్ ఆప్ ఆర్తి ఉతార్తే హువే దేఖ్ రహే హైం कि किस प्रकार से माता को बीच बीच में जिनके द्वार आगे पड़ रहे हैं उनके हाथों से आरती लेकर के उन्हें आरती उतारा जाता है और वह आरती भक्तों को प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से भक्तगण इस रात्रि वेला में देखिए बालाएं कन्याएं किस प्रकार से अपने शरीर के ऊपर विचित्र रंग बिरंग के वस्त्रों के द्वारा आभूषणों से अपने को अलंकृत की हुई है और अलंकार करके इस मार्ग में विभिन्न प्रकार के नृत्य संगीत वाद्य के साथ माता के इस वाहनों के साथ मध्य में विराजमान हो करके सभी भक्तगणों को आनंद प्रदान कर रही हैं, क्योंकि इन मार्गों में गीत वाद्य नृत्य गज चामर हाथी इत्यादि सभी के साथ माता अपने वाहनों के ऊपर विराजमान रहती हैं। इस आनंद में यह जो है आनंद वेला, इस आनंद वेला में भक्त की जो भक्ति है वह भक्ति बहुत ही अद्भुत भक्ति है। माता की यह अश्ववाहन यह ब्रह्मोत्सव बहुत ही अद्भुत प्रकारों से चमत्कारों से वराही वैभवों के द्वारा यहाँ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अश्व माता की अनुग्रह पाने के लिए हर भक्तों की लालसाएं रहती हैं, क्योंकि माताएं ही वह है जो हम कितने भी काम करे उन सभी को माता ही हमें क्षमा करती हैं, क्योंकि माता ही ऐसी है। हमारे जो तीन ऋण रहते हैं मातृ ऋण पितृ ऋण देव ऋण, उन सभी ऋणों में हम पितृ ऋण देव ऋण इत्यादि से तो हम मुक्त हो जाते हैं, लेकिन मातृ ऋण ही एक ऐसा ऋण है जिन मातृ ऋणों को हम चुकाते नहीं हैं, क्योंकि हम में वह शक्ति नहीं है जिसके द्वारा हम मातृ ऋण को निभा सके। इसलिए माता की जो कृपा है वह पुत्रों के ऊपर सदा चलता रहता है, क्योंकि पुत्र कितना भी कुछ कर ले भले ही माता के ऊपर उनका श्रद्धा हो ना हो, लेकिन माता माताएं होती है वह। इसलिए कहा जाता है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता न भवती, माता कभी भी कुमाता नहीं होती है। कुवचन पुत्र के द्वारा सुनती है, पुत्र उन्हें कुवचन कहता है, बहुत ही अनर्गल बातें कहते हैं, लेकिन कभी भी माता का जो हृदय है वह हृदय बच्चे को कभी नहीं छूटता है। माता की जो ममता है वह ममता ही परिकाष्ठा है। माता हमें 9 महीने तक अपने उदर में रख करके हमें जन्म देती है। यदि माता न हो तो यह सृष्टि की संरचना नहीं होगा, माता न हो किसी भी चीजों की उत्पत्ति होना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यदि कोई भी श्रेष्ठ है तो सबसे पहले आदि माता ही सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए माता की हमें सर्वप्रथम आराधनाएं करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, चाहे वह गृह माता हो अपनी माता हो, चाहे वो लक्ष्मी माता हो, जो भी माता है वह सभी माताएं आदरणीय हमारे लिए हैं। इसीलिए
माता के रूप में जो भी महिलाएं हैं उन सभी का हमारे शास्त्रों में नवदुर्गा के रूप में, महालक्ष्मी के रूप में, यहाँ हम कुमारी कन्या के रूप में इन्हें स्मरण करते हैं, कुमारी भोजन करवाते हैं, आराधना करते हैं। इसीलिए हमें सर्वदा यह भारत भूमि ऐसी भूमि है, कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारियों की पूजा किया जाए वहीं पे सभी देवी देवताओं के, सभी देवताओं के वास होते हैं। और वह ऐसा भूमि है, वही वह भूमि जिस भूमि को भारत भूमि कहा जाता है, क्योंकि भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पे स्त्रियों की सम्मान आदर पूजा इत्यादि होता है। इसीलिए यहाँ पे सभी कन्याओं की, माताओं की यहाँ पूजा होती है। इसीलिए हमें माता की कृपा दृष्टि, कृपा कटाक्ष पाने हेतु सभी भक्तगण इस मार्ग में श्रद्धा भक्ति के द्वारा आनंद में लीन माता के इस वैभव ब्रह्मोत्सव में अश्ववाहन के ऊपर आज विराजमान होकर के माता के यह अद्भुत रूप को देख रहे हैं। माता आपे इस वाहनों में भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने हेतु आती हैं, क्योंकि माता की यह जो विभिन्न प्रकार के जो रूप हैं, माता सृष्टि में सबसे प्रथम उत्पत्ति किया जाता है माता का ही, क्योंकि माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जो बच्चे को सिखलाया नहीं जाता है। बच्चे के मुख से यदि कोई शब्द प्रथम शब्द निकलता है तो वह शब्द माँ शब्द है। वैसे इस कलयुग में, इस वैज्ञानिक युगों में माता शब्द के आजकल बहुत कई अर्थ निकल चुके हैं, लेकिन जो माँ शब्द है हमारे भारतीय संस्कृति में, जिसे वेदों ने कहा है, संस्कृत ने कहा है, जो माँ शब्द है, माँ शब्द कहने से ही हम एक अलग ही दया का स्फुट होता है, एक श्रद्धा का अलग ही स्फुटना होता है। इस प्रकार से माता की यह असीम कृपा हम पे हमें प्राप्त होते रहे, यही माँ जगदम्बा से हमारी प्रार्थना है। सर्व जन प्रिय श्री पद्मावती, सर्व प्रियंकरी श्री पद्मावती, सर्व रंजनी श्री पद्मावती, सर्व वशंकरी श्री पद्मावती, जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती, जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती, श्री आदिलक्ष्मी श्री पद्मावती, श्री गजलक्ष्मी श्री पद्मावती, श्री धनलक्ष्मी श्री पद्मावती, श्री धान्यलक्ष्मी श्री पद्मावती, जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती, जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती। ददन्ते अन्यद्विषरूपे
ಹೇಳ್ತಾರೆ.